कांग्रेस की सियासी नाव में छेद कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की नाव में छेद भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे पूर्व सीएम हो या करीब एक दशक तक कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हो, कांग्रेसी नेताओं की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बची है जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के जहाज को ना पकड़ रही हो। राज्य अलग अलग है, लेकिन गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक जो पाला बदल रहे हैं, वो राम के नाम का हवाला दे रहे हैं और सनातन के नाम पर आत्मा जगने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चुनाव के वक्त ही इन सब की आत्मा क्यों जागती है। शुरुआत आज के दो सबसे बड़े चेहरों के साथ। पहला चेहरा कांग्रेस के बेहद तेज तर्रार प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ। एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जो दसवीं पास नहीं है, शर्म नहीं आई आपको? डूब के मर जाना चाहिए था उस दिन। दूसरा चेहरा संजय निरुपम। मुंबई की राजनीति में कांग्रेस का वो नाम जो उत्तर भारतीयों की आवाज बनकर गूंजता रहा। ये पूरी सरकार ही फर्जी है और सबसे ज्यादा फर्जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस की नाव में छेद करने वाले ये दो बिल्कुल ताजा चेहरे हैं जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के पार्टी मुख्यालय की, जहां गौरव वल्लभ कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। औपचारिक प्रक्रिया से पहले गौरव वल्लभ की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। कई बार संजय मयू और अनिल बलूनी सब टीम बैठती है तो गौरव वल्लभ अगर डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए, ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है। और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। खैर बात गलत नहीं है। करीब 4 साल पहले गौरव वल्लभ की बहस के हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ करते थे। देखिए, यहाँ आके बरगलाने की और हास्य कविताएं करके मैं मानता हूँ आप कपिल शर्मा से बेटर एक्टर हो, जैसे आपने मुझे बोला ना, मैं मानता हूँ। क्यों ना शाम को 9 से 9:30 एक प्रोग्राम चालू करा जाए, संबित पात्रा लाइव, संबित पात्रा शो, करो उस पे नौटंकी, करो गाने, गाओ दल दल, जो करना वो करो। गौरव वल्लभ ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं और उनका ये सवाल पूरे देश में उनकी पहचान बन गया था। ये जो पूरा 5 वर्ष है इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे, विश्व के बुलंदी पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना। बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने। बताता हूँ, आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को, संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते। जवाब पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते, ये देख लिया इनका, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है, 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे। तो मेरा चैलेंज है इनको आज, 5 ट्रिलियन में कितने। आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। 12 होते हैं, 10^12। गौरव वल्लभ 2 बार जमशेदपुर और राजस्थान के उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार वो चुनाव हार गए थे। पेशे से प्रोफेसर रहे गौरव वल्लभ काफी वक्त से लाइमलाइट से दूर थे और अब सच्चे सनातनी होने का दावा करके महाभारत का श्लोक पढ़ के बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। धर्म एवं हतो हंती धर्मो रक्षति रक्षित,
तस्य धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। सवाल यह है कि गौरव वल्लभ के सब्र का बांध ठीक चुनाव से पहले ही क्यों टूटा? कांग्रेस पार्टी में ये सारी कमियां उनको पहले क्यों नहीं दिखाई दी? कांग्रेस की नाव में छेद का दूसरा चेहरा। आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। कांग्रेस से संजय निरुपम का साथ क्या छूटा, वो जय सियाराम से एतराज करने वालों का अंजाम तक बताने लगे हैं। सर जब हम आपसे मिलते हैं तो आपको हम नमस्ते कहते हैं, आज जय श्री राम कहें? बोल सकते हैं, जय श्री राम तो सबको बोलना चाहिए। राम तो इस देश के कणकण में है, इस देश के प्राण है, और राम से राम पर किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए, और जो ऐतराज करेगा वो खत्म हो जाएगा। कहता जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पर इतनी आजादी से जय श्री राम आज आप बोल रहे हैं, कांग्रेस से निकलने के बाद संभव नजर आ रहा है? थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा एक विशेष आग्रह रखा जाता है, जय श्री राम या सियाराम बोलने के ऊपर थोड़ा सा एक तकलीफ होती है, लेकिन हम तो राम कथाओं में जाकर के जय श्री राम और सियाराम बोलता रहा हूं मैं। संजय निरुपम न सिर्फ मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बल्कि 2009 में मुंबई नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। इससे पहले निरुपम शिवसेना में थे और राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले संजय निरुपम उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर ही शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। करीब डेढ़ दशक तक कांग्रेस के लिए राजनीति करने वाले संजय निरुपम के मुताबिक बुधवार रात को उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंपा था और सुबह होते होते संजय निरुपम के पार्टी से निष्कासित होने की खबर आ गई। संजय निरुपम कांग्रेस से मोह भंग होने की वजह पार्टी में 5 पावर सेंटर को बता रहे हैं। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके कोटरी होते थे, दरबारी होते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है। भाई हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। सवाल यह है कि संजय निरुपम को कांग्रेस में 5 पावर सेंटर चुनाव से पहले ही क्यों दिखाई दिए? कांग्रेस में नेतृत्व के सुनने का एहसास उन्हें टिकट कटने के बाद ही आखिर क्यों हुआ? दरअसल संजय निरुपम महाराष्ट्र के मुंबई से नॉर्थ वेस्ट से टिकट ना मिलने को लेकर नाराज थे, जबकि 27 मार्च को उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया था जिसमें नॉर्थ वेस्ट सीट शामिल थी। वहां से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया था, जबकि खुद निरुपम वहां से लड़ना चाहते थे। आपको पता होगा एक हफ्ते पहले मैंने घोषणा की थी, और वो घोषणा तब की थी जब महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस की नाव में छेद का तीसरा चेहरा विजेंदर। अब से करीब 24 घंटे पहले इंटरनेशनल मुक्केबाज विजेंदर सिंह के बीजेपी का दामन थामने की खबर आई थी, जब बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने विजेंदर का पार्टी में स्वागत किया था। हम कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर, जो उनका काम करने की शैली उससे प्रभावित होकर, हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो हम चाहेंगे कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर। खास बात यह है कि 2019 में विजेंदर सिंह कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि विजेंदर चुनाव हार गए। कहते बदलाव कभी भी हो सकता, कहते जब जागो तभी सवेरा, तो कहते हम जाग गए हैं और आज तरह से घर वापसी हुई आज, तो हम चाहते हैं कि देश सेवा करें, देश हित में काम करें, तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में। नींद कहते उखड़ जाती है तो सब चीजें हो जाती हैं, तो एक दिन आया कि भैया मेरे को लगता है कि मेरे को देश हित में बीजेपी में शामिल। अब देखिए बीजेपी में आने को विजेंदर नींद से जागना बता रहे हैं। मूल रूप से हरियाणा के भिवानी के रहने वाले विजेंदर
जाट समुदाय से आते हैं और ऐसे में विजेंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब तक आपने जिन तीन चेहरों को देखा वो तो पिछले 24 घंटे में पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं, जबकि पाला बदल का ये खेल जनवरी से शुरू हो गया था और गुजरात से लेकर पंजाब हरियाणा तक बीजेपी की स्ट्राइक जारी है। पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा में नवीन जिंदल और गुजरात में अर्जुन सिंह मोटवाड़िया, ये वो तीन चेहरे हैं जिनका अपने अपने प्रदेशों में अच्छा खासा प्रभाव है। तीनों की पहचान कांग्रेस के ताकतवर और वफादार नेता की रही है, लेकिन इस वक्त ये तीनों बीजेपी का कमल खिलाने के लिए सियासत के अखाड़े में हाथ आजमा रहे हैं। SPG, सेंट्रल फोर्सेस सब उनकी हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सब सेंट्रल फोर्सेस उन्होंने लगाई रखी हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाँ हेलीकॉप्टर से आए, जहाज से आए, रास्ते में फिर भी अभी भी मुश्किल होगी, क्योंकि आपने सवा साल हर पंजाबी को रास्ते पे रखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे और करना चाहते थे। रवनीत बिट्टू पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह के पोते हैं। मोदी की लहर में भी 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लुधियाना से जीते थे, लेकिन इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। 26 मार्च को बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी ने बिट्टू को लुधियाना से अपना उम्मीदवार बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू के साथ ही कांग्रेस में सांसद रह चुकी परनीत कौर भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले कांग्रेस के सांसद रहे सुनील जाखड़ भी बीजेपी में जा चुके हैं, जो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में पहले से ही अपनी जगह बना चुके हैं। मतलब ये कि जो लोग पंजाब कांग्रेस के पूरक हुआ करते थे वो अब बीजेपी में जा चुके हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की राजनीति में जिंदल परिवार का दबदबा रहा है। नवीन जिंदल कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 24 मार्च की रात को जिंदल ने बीजेपी जिंदाबाद कहना शुरू कर दिया। उस रात 8 बजे जिंदल कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अगले ही घंटे पार्टी ने जिंदल को कुरुक्षेत्र से लोकसभा का टिकट दे दिया। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा के जिन 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें से 6 पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। अशोक तंवर से लेकर राव इंद्रजीत और अरविंद शर्मा जैसे नेता पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, अब कमल खिलाने के लिए बीजेपी के साथ हैं। गुजरात की राजनीति में अर्जुन मोटवाड़िया को कभी नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन राम का नाम लेकर कांग्रेस के इस अर्जुन ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। पिछले महीने मोटवाड़िया ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के टिकट पर मोटवाड़िया पोरबंदर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। राम का नाम लेकर हाथ का साथ छोड़ने की शुरुआत इसी साल जनवरी में उस वक्त हो गई थी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी पारी शुरू कर रहे थे। मुंबई में कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। बाद में पूर्व CM अशोक चव्हाण भी कांग्रेस से दूर हुए और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ सी मच गई है। कांग्रेस से लेकर JMM समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी तक के नेता दल बदल रहे हैं। पंजाब से लेकर यूपी तक बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के लोकसभा में इकलौते सांसद थे। जालंधर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और 27 मार्च को इन्होंने पंजाब में कमल खिलाने का प्रण ले लिया। जलंधर के विकास के लिए, जलंधर की बेहतरी के लिए, जलंधर की तरक्की के लिए आज मैंने ये फैसला लिया है और हम जलंधर को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जो केंद्र सरकार के सारे प्रोजेक्ट है वो हम जलंधर में लेके आएंगे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जब ED की हिरासत में थे और सुशील रिंकू बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल हो गए, विपक्षी गठबंधन की नाव में छेद का ये सिलसिला अब तक जारी है और ये कहां जाकर रुकेगा इस बात को कोई नहीं जानता।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।